हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटो राइस, जो एक वन पॉट मील है और ये बहुत ही कम मेहनत और कम ही चीज़ों में बन के तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो टमाटो राइस बनाने के लिए यहाँ पर ली हूँ मैं एक कप बासमती राइस। तो राइस को हम अच्छे से धो लिए हैं और धो के इसको हम 10 मिनट तक सोक करके रखेंगे। और यहाँ पे हमको चाहिए टमाटर। यहाँ पे मैं 2 बड़े टमाटर लेके उसका प्यूरी बना दी हूँ। साथ में एक बड़ा सा टमाटर को हम चॉप करके काट लिए हैं। तो ये दोनों तरह का टमाटर हमको यूज़ करना है। तो अभी हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अच्छे से। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे ये ड्राई रेड चिली, स्टार एनिस और ये 2 से 3 कार्डमम, ये थोड़े से लौंग और ये एक जावित्री, थोड़े से सिनामन स्टिक और एक तेज़पत्ता। तो चलिए पहले सब होल स्पाइसेस को डाल देते हैं। डाल के हम कुछ ही सेकेंड के लिए इसको इस तरह से सॉटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा को भी हम थोड़े से इस तरह से हिला लेंगे ताकि वो चटक जाए अच्छे से। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के आसपास प्याज को हम स्लाइस करके काट के डाल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है थोड़े से सॉफ्ट होने तक। यहाँ पे देखिए हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 ग्रीन चिली को इस तरह से काट के स्लिट करके सबको अच्छे से मिला लेंगे और रॉ स्मेल जाने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी, मिला लेते हैं। इस राइस के रेसिपी में हमको 2 तरह का टमाटर डालना होता है, टमाटर प्यूरी यानी ये चॉप किया हुआ टमाटर, इसको भी मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पक जाए। नमक आपको डालना है स्वाद के हिसाब से। नमक को डाल के हमको मिला लेना है और एक बार ये हम अच्छे से मिला लिए। अभी हम इसको कवर करेंगे और 9 से 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर एकदम अच्छे से गल गया है, अच्छे से पक गया है। अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। अभी हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसाले में जाएगा सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। फिर यहाँ पे डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ताकि हमको अच्छा सा एक कलर मिल जाए। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे जीरे के पाउडर। अभी सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों से ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और एक बार चला लेते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा सोक किया हुआ राइस को। राइस को डाल के मसालों के साथ राइस को हमको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से उसको सॉटे करना है। अच्छी तरह से चलाते हुए यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो गया है, हम थोड़ा सा भून लिए हैं राइस को। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप राइस लिए हैं तो मैं पानी दे रही हूँ 2 कप। पानी डाल के हमको अच्छे से मिला लेना है। अभी हम सीजनिंग को एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़े से और नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और थोड़े से जाएगा धनिया पत्ता। अच्छे से मिला लेते हैं और 1 उबाल आने तक इसको इस तरह से पकने देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया है। अभी हम इसको कवर कर देंगे और पानी को ऑब्जर्व होने तक इसको हम मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 मिनट हो गया है और यहाँ पे सारा वाटर अब्जर्व हो चुका है और राइस भी अच्छे से पक गया है। इसको हम और नहीं पकाएंगे। अभी हम इसका फ्लेम अप करते हैं और इसको ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया पत्ता और इसको ऐसे ही कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से अब्जर्व हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको गर्मा गर्म राइस को आपको सर्व कर लेना है। आप इसको कोई भी एक रायता नहीं तो दही के साथ सिंपल इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है सबके रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए।
जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।